ये वीडियो कम्प्लीटली एजुकेशनल पर्पस के लिए है और कुछ भी खरीदें या बेचें तो जो आपके लिए अच्छा है वो कीजिए, और ये वीडियो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। लोग सबसे ज़्यादा ना मार पता कहाँ खाते हैं कि जब उनको सैटेलाइट और कोर फंड के बीच का डिफरेंस नहीं पता होता, और ऐसे फंड जो सिर्फ आपको 6 महीने साल में चलते हुए दिखते हैं लोग उसके पीछे पागल हो जाते हैं, पिछला रिकॉर्ड देखते ही नहीं है, 2-2 साल का भी नहीं देखते, 3-3 साल का भी नहीं देखते, तो 10 साल का तो कहाँ ही देखेंगे। तो आज इस वीडियो में हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके देखेंगे 10 साल का पुराना रिकॉर्ड HDFC कितना कंसिस्टेंट रहा है, थोड़ा बहुत कंपैरिजन कर लेंगे SBI से कि SBI कितना कंसिस्टेंट रहा है, और बाकी कुछ चीज़ें कंसिडर करके हम उसको टॉप 4 फंड्स में कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद बिल्कुल इन द एंड वीडियो में आपको पता लगेगा कि कंक्लूजन क्या है, हमें उसे रखना चाहिए 2024 के लिए या नहीं। तो 2024 में HDFC फंड क्या कमाल करने वाला है और क्या वो सबसे आगे रहने वाला है, जिस तरह से 2023 का चैंपियन रहा तो क्या वो 2024 का भी चैंपियन रहने वाला है या नहीं, ये इस वीडियो में हम पता करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा सा ध्यान दिलाऊं तो सबसे नीचे जो लाइन मैंने ग्रीन कर रखी है वो है SBI की। अगर SBI में आप देखेंगे 2013-14-15 में अच्छा परफॉर्मेंस रहा, फिर 1 साल छोड़ के फिर अच्छा परफॉर्मेंस, फिर 1 साल छोड़ के फिर 4 साल परफॉर्मेंस, ठीक है, फिर 1-1.5 साल छोड़ के हो सकता है अगले 4 साल फिर परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ये तो था बहुत अच्छी वाली चीज, ठीक है। उसके बाद अगर मैं देखूं तो पहले 2013-14-15 में यानी कि निपोन अच्छा खासा चला, फिर 1-1.5 साल छोड़ के ठीक ठाक चला, देन उसके बाद 3 साल नहीं चला और 3 साल चला, बहुत ज़बरदस्त रिटर्न निकाल के इसने हमें दिए, ठीक है। अब मैं बाकी किसी की अभी बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ ध्यान दूंगा आपका HDFC फंड के ऊपर कि पिछले 3 साल से चल रहा है, ठीक है, 2023 में चला, 2022, 2021 में अच्छा खासा चला, और फिर उससे पहले 2 साल नहीं चला था, उससे पहले 2 साल चला था, फिर उससे पहले 3 साल नहीं चला था। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे ना तो सबसे कम कंसिस्टेंट फंड ये रहा है, ठीक है। पहली बार इसने ऐसा किया होगा HDFC ने कि पिछले 3 साल से चलता हुआ आ रहा है पहली बार, जबकि SBI तीन साल पहले और 4 साल बीच में चल चुका है, और निपोन भी इस तरह से 3 साल पहले और फिर 3 साल अब भी वो अच्छा खासा कर रहा है, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। लेकिन अगर हम अभी सिर्फ लास्ट 3 ईयर्स का जाके देखें तो मेरे हिसाब से ये SBI से भी अच्छा है, क्योंकि लगातार पिछले 3 साल से बहुत ज़बरदस्त रिटर्न निकालता हुआ आ रहा है और निपोन से बहुत ज़्यादा पीछे नहीं रहा है। तो ये तो हो गई चलो अच्छी वाली चीज़। थोड़ा सा यहाँ पे अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो 3 मंथ्स के रिटर्न की अगर बहुत छोटा रिटर्न्स देखें तो फ्रैंकलिन से पीछे है, टाटा से आगे है और क्वांट से भी पीछे है। 6 मंथ की अगर मैं बात करूँ, 6 मंथ में ये रफली टाटा को छोड़ के, और लास्ट 1 ईयर की अगर मैं बात करूँ तो 1 ईयर में सबको मतलब सबके बराबर ही है, मतलब इतना 2-4% का आप नहीं पता लगा सकते, ठीक है, और स्पेशली स्मॉल कैप में तो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, लॉन्ग टर्म में भी दे रहा है। 5 ईयर्स की बात करें तो वहाँ पे भी देता हुआ नज़र आ रहा है 25% के आसपास, लेकिन हाँ अगर मैं इसको कंपेयर करूँ क्वांट से और टाटा से तो दोनों से पीछे है, और हल्का सा बहुत हल्का सा फ्रैंकलिन से भी पीछे है। तो ठीक है, अभी मैंने आपको बोला था ना, शीट मैंने इसलिए दिखाई थी कि ये पिछले 3 साल से ही चलता आ रहा है, उससे पहले फिर काफ़ी इसका अंडर परफॉर्मेंस चल रहा था, इसलिए 4-5 ईयर्स का अगर हम रिटर्न देखेंगे तो हमें अच्छा नहीं दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे मेन चीज़ आ जाती है कि जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं ना, तो एक तो स्मॉल कैप कंपनियाँ वैसे ही खतरनाक, ऊपर से यहाँ पे अगर क्या मतलब अगर ऊपर से यहाँ नंबर खराब हुए तो और दिक्कत हो जाएगी। यहाँ आप स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे 16.21, फ्रैंकलिन से भी ऊपर, टाटा से भी ऊपर, हाँ क्वांट तो सबसे ऊपर है रहता ही है इस मामले में, तो क्वांट तो बहुत ज़्यादा रिस्की है ही है। तो अगर HDFC में रखूँगा ना तो मैं निपोन नहीं रखूँगा, क्योंकि निपोन भी इसी तरह का रिस्की है और क्वांट भी इसी तरह का रिस्की है। अगर मैं फ्रैंकलिन के साथ रखना चाहूँ तो कोई HDFC रख सकता हूँ, अगर मैं 2 स्मॉल कैप रख रहा हूँ तो। लेकिन हाँ, फिर से आप अल्फा पे नज़र डालेंगे तो अल्फा इसका ऐसा ही है कि बेंचमार्क को जहाँ जहाँ बीट करना जरूरी होता है, जहाँ बीट करता है तो फ्रैंकलिन से भी पीछे रहा है, टाटा से भी, निपोन से भी और क्वांट से भी। निपोन आपको स्क्रीन पर नहीं दिख रहा लेकिन हाँ बीट करता हुआ हमेशा से, मतलब निपोन ने HDFC को बीट ही किया है, बेशक बहुत कम मार्जिन से, ठीक है। बीटा कंट्रोल में है, 1 से नीचे है, इससे अच्छी बात नहीं है, लेकिन फ्रैंकलिन और टाटा से काफी पीछे है। क्वांट का तो बीटा बात ही ना करो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है, लेकिन हाँ फिर क्वांट रिटर्न भी उस हिसाब से निकाल के देता है कि चलो हम बीटा भूल भी जाए, ठीक है। अब आ जाते हैं सेक्टर्स की बात करें तो सेक्टर बहुत अच्छे से डिवाइड किए हुए हैं। 3rd नंबर पे फाइनेंशियल सेक्टर, कुछ अलग कर रहे हैं ये, सर्विस, कैपिटल गुड्स, तो इनकी स्टॉक सिलेक्शन अलग है, तो ओवरलैपिंग नहीं होगी अगर हम 2 स्मॉल कैप भी रख ले तो। तो ये एक बहुत अच्छी बेनिफिशियल चीज़ मिली जो हमें बहुत अच्छा, मतलब हम ये कहेंगे कि जो हमें बहुत अच्छी एक चीज़ दे रही है। यहाँ पे आप देखोगे क्वांट में रिलायंस इंडस्ट्री, हिंदुस्तान कॉपर, अदानी पावर, जियो फाइनेंशियल, कुछ बड़े बड़े स्टॉक्स के नाम आपको दिखेंगे, ठीक है। फिर फ्रैंकलिन में देखोगे तो आप इक्विटास सबके उस पास होता है, और कल्याण ज्वेलर्स, दीपक नाइट्रेट, ये सबके पास होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद स्टॉक्स सबके पास अलग है टॉप के, ठीक है, लेकिन फिर भी इनके पास सेक्टर भी अलग हैं। फाइनेंशियल सेक्टर बाकी सबका सेम है, ठीक है, लेकिन हाँ इसका फाइनेंशियल 3rd नंबर पे आता है, तो जो कि एक अच्छी बात है मेरे हिसाब से। टर्नओवर रेशो भी 7.5% का है, तो इससे बढ़िया बात कुछ हो ही नहीं सकती, ठीक है।
क्योंकि टर्नओवर रेशो अगर ज़्यादा है ना तो बहुत ज़्यादा चर्निंग करके रिटर्न निकल रहे हैं ना, तो लॉन्ग टर्म तक टिकेंगे नहीं। सबसे बड़ी चीज़ जो मैं हमेशा से बोलता रहता हूँ कि जो लोग आते हैं, कि जो स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास, कि सर हमें बहुत कम पैसा डालना है, तो भाई HDFC के फंड चुन लो, ठीक है। यहाँ पे वैसे टाटा भी 100 रुपये डालने देता है, फ्रैंकलिन भी 500 रुपये डालने देता है, लेकिन लमसम 100 रुपये कोई नहीं डालने देता, HDFC आपको वो भी ऑप्शन देता है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, इसी वजह से इनका बहुत ज़्यादा बड़ा AUM है, क्योंकि बहुत से लोगों को ये चीज़ ऑफर करते हैं कि आप स्टार्ट कर लीजिए, बस स्मॉल स्टार्ट कीजिए, और फिर आपको वो 100 रुपये पे 200 बनते हुए दिखेंगे ना कुछ टाइम में, तो आप अपने आप 1000 भी डालेंगे, 1,00,000 भी डालेंगे। थोड़ा सा और नीचे जाके देखूं तो ये फंड 203%, कैटेगरी एवरेज 241, ये है पिछले 5 साल का रिटर्न, ठीक है। और अगर मैं इसकी 10 साल की SIP की बात करूं, तो कैटेगरी एवरेज से अगर इस फंड ने कुछ अच्छा प्रॉफिट निकाला है तो रफली वो 30,000-40,000 रुपये है, ठीक है। होपफुली आप समझ गए होंगे कि 30,000-40,000 रुपये अच्छा रिटर्न निकाला है, तो चलो इन दी एंड विनिंग फंड साबित हुआ अगर किसी ने 10 साल तक रखा तो। तो अब लास्ट में हम पहुंच जाते हैं कंक्लूजन पे, बिल्कुल बिल्कुल साफ साफ चीज़ें सब कुछ अच्छी दिख रही हैं, लेकिन HDFC पे ट्रस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, फंड उथल पुथल करता है, लेकिन टर्नओवर रेशो से हमें वो चीज़ भी कम दिख रही है। तो लास्ट में मैं ये कहूँगा कि इसे एज अ सेकेंडरी फंड रखा जा सकता है, मैं मेन फंड इसको नहीं रखना चाहूँगा, क्योंकि HDFC टॉप 100 हो गया, HDFC सेंसेक्स फंड हो गया, बहुत सारे HDFC के फंड हैं जो हम रख सकते हैं अपने मेन पोर्टफोलियो में, कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा बना के। अगर मुझे सैटेलाइट फंड ढूंढने हैं तो मैं HDFC की तरफ नहीं जाऊँगा, मैं क्वांट, निपोन, मोतीलाल इनकी तरफ जाना ज़्यादा पसंद करूँगा, ठीक है। तो फंड हाउस, क्योंकि हम दो नहीं रखना चाहेंगे एक फंड हाउस के, तो जब हमारे पास अगर लार्ज कैप में ऑप्शन आता है तो HDFC टॉप 100 और सेंसेक्स आप ले सकते हैं, तो वो बेटर रहेगा। तो मेरे हिसाब से आपको इस चीज़ को जरूर कंसीडर करना चाहिए, और अगर आप इसे रखना चाहते हैं तो एज ए सेकेंडरी फंड भी रख सकते हैं, अगर आपके पास है भी तो इतना कोई बुरा फंड नहीं है, अच्छा फंड है। अब 3 साल हो गए हैं इसको, तो आने वाले समय में कितना ये रिटर्न दे पाता है, कितना नहीं दे पाता, वो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा। स्मॉल कैप कैटेगरी पर ही पूरा क्वेश्चन मार्क है, तो मेरे हिसाब से 2024 में अगर मैं बोलूं कि चैंपियन नहीं रहने वाला, लेकिन हाँ टॉप 4 टॉप 5 में रहेगा स्मॉल कैप कैटेगरी में। और इतना भी हम कर जाए ना कि हमारे पास टॉप 3 फंड में से कोई एक था या टॉप 4 फंड में से, तो हमने कोई अच्छा सिलेक्शन ही किया है। तो बाकी साल खत्म होने पे देखेंगे, अभी के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगली वीडियो में।